Hello everyone, welcome back to the official YouTube channel of Origin Coaching. I hope you all must be fine and without wasting much of your time, let's directly come to the point. So, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर फ्लेमिंगो बुक का सेकेंड चैप्टर द लास्ट स्प्रिंग. उसके पहले मैं इस स्टोरी का आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं. सो ये स्टोरी लिखी गई है बाई द राइटर एनिस जंग. द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज एनिस जंग. ही वॉज बॉर्न इन 1964. एनिस जंग जो जंग है वो 1964 में पैदा हुई थी. सो ये जो हमारा चैप्टर है ये बेसिकली टू स्टोरीज में डिवाइडेड है. पहले स्टोरी का नाम है समटाइम्स आई फाइंड रूपी अंडर गार्बेज और सेकेंड स्टोरी है आई वॉन्ट टू ड्राइव कार. फर्स्ट स्टोरी का हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो है साहिब और जो सेकेंड स्टोरी है आई वॉन्ट टू ड्राइव कार उसका जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मुकेश. अब ये जो हमारे दोनों स्टोरीज हैं ये सेम थीम पे सेट हुए हैं. दो थीम है इन स्टोरीज के, वो आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको नोट करना है. और वो स्टोरीज के थीम के नेम क्या क्या है. फर्स्ट थीम है पॉवर्टी एंड द सेकेंड थीम इज चाइल्ड लेबर. इन दो थीम्स पे जो द लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है वो बेस्ड है. अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्प्रिंग का मतलब क्या है इस चैप्टर में. सो स्प्रिंग का मतलब है यहां पे चाइल्डहुड से. चाइल्डहुड इन द सेंस बचपन. सो इस स्टोरी को हम एक तरीके से द लॉस्ट चाइल्डहुड भी बोल सकते हैं. और इसका स्प्रिंग को यहां चाइल्डहुड से किस लिए रिलेट किया गया है ये जब हम स्टोरी पे आगे चलते जाएंगे तो हमको पता चलेगा. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आप ये यहां पे नोट कर लीजिए कि एनिस जंग है ये कब बॉर्न हुई थी 1964 पे एंड कहां बॉर्न हुई थी राउरकेला उड़ीसा. दिस आर जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एग्जाम्स में शायद ही आएंगे ये, बहुत कम चांस है इनके आने का, कभी नहीं है. सो बस आपको जानने के लिए है क्योंकि ये स्टोरी जो चैप्टर है हमारा उसके स्टार्टिंग में ये दिया गया है. सो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर. होता कुछ इस तरीके से है कि जो ऑथर है वो गांव जाती है और उस गांव का नाम क्या है सीमापुरी. ये आपको याद रखना है गांव का नाम सीमापुरी. सीमापुरी जब ऑथर पहुंचती है तो वहां वो कई सारे बच्चों को कचरा उठाते देखती है, रैक पिकिंग करते देखती है. रैक पिकिंग मतलब कबाड़ उठाना या कचरा बिनना. सो एक वहां एक बच्चा वहां कचरा उठा रहा था साहिब नाम का. तो साहिब से वो जो ऑथर है वो पूछती है कि तुम कुछ और काम क्यों नहीं करते. तो बच्चा उनको क्या रिप्लाई देता है कि मेरे पास कोई दूसरा काम है ही नहीं करने के लिए. सो ऑथर उसको बोलती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते. सो साहिब उसको रिप्लाई करता है कि मेरे नेबरहुड पे कोई स्कूल नहीं है, जब वो स्कूल बनाएंगे तो मैं स्कूल जाऊंगा. तो ऑथर उसको हाफ जोकिंगली, वहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है हमारे बुक में हाफ जोकिंगली, मींस ऑथर सीरियस नहीं थी, बस उसने उस बच्चे को ऐसे ही बोल दिया कि अगर मैं स्कूल बनाई तो क्या तुम जाओगे. तो बच्चा काफी खुश हो गया और खुशी से हाँ बोला. अब कुछ दिन हो गए इस बात को, जब ऑथर फिर से वहां पहुंची तो बच्चा दौड़ते हुए उनको देखा और उनके पास आके पूछा क्या आपका स्कूल रेडी हो गया. ऑथर ने उसको उस बात को टाल दिया ये बोल के कि स्कूल बनने में थोड़ा टाइम लगता है. बट जो राइटर है, जो हमारी ऑथर है, उसको अंदर से काफी गिल्टी फील हो रहा था कि मैंने इस बच्चे से फेक प्रॉमिस क्यों किया. एंड फिर वो सोचती है कि इस बड़ी सी दुनिया के हर कोने में इस टाइप के बच्चों से लोग फेक प्रॉमिस करते आ रहे हैं. अब कुछ दिन कुछ महीने इस बात को गुजर गए और ऑथर जानने भी लगी उनके बारे में और रिसर्च की कि ये बच्चे क्या है. तो इस रिसर्च पे ऑथर ने पाया बांग्लादेश के ढाका में, ये जगह का नाम आपको याद रखना है, बांग्लादेश और बांग्लादेश में स्पेशली कहां ढाका. बांग्लादेश के ढाका से ये जो बच्चे हैं आए हैं कब आए 1971 के टाइम पे. 1971 के टाइम पे जब बांग्लादेश में ढाका में स्टॉर्म आया था, तूफान आया था, तो वहां के जो लोग हैं, जो गरीब लोग थे, गांव के लोग थे, उनके घर और फील्ड सब चीजें उजड़ गई
और उस वक्त वहां से कई सारी फैमिलीज डिस्प्लेस होके सीमापुरी में आई, और एट दैट टाइम जब ये लोग जब बांग्लादेश में ही थे तब सीमापुरी में काफी सन्नाटा था, वो उतना मतलब उस जगह में लोग नहीं रहते थे। बट अब वो जगह अब खाली नहीं है, वहां ऑलमोस्ट 10,000 रैक पिकर्स वहां है, 10,000 रैक पिकर्स की फैमिली वहां है, एंड उस फैमिली में से साहिब की भी फैमिली उनमें से एक है। सो ये उसका बैकग्राउंड बताया गया। अब हम आ जाते हैं फिर से अपने प्रेजेंट पे। अब कुछ महीनों बाद जब ऑथर फिर वहां आई तो वो उन बच्चे को ग्रुप बच्चों का जो ग्रुप था उनको अपने पास बुला के पूछती है कि तुम लोगों ने चप्पल क्यों नहीं पहने। वो उसे पूछती है कि तुम लोगों ने चप्पल क्यों नहीं पहने। एक बच्चा बोलता है कि मेरी जो मम्मी है उन्होंने शेल्फ से चप्पल उतारा नहीं। दूसरा बच्चा बोलता है कि अगर मेरी मम्मी शेल्फ से चप्पल उतार भी देती तो वो उनको फेंक देती, क्योंकि उसका कहना था कि खाली पैर रहना ट्रेडिशन है। अब ऑथर यहां पे हमको ये बताती है कि ये जो बच्चे हैं ये किस तरीके से एक्सक्यूजेस देके अपने आप को बहला फुसला रहे हैं कि चप्पल पहनना जरूरी नहीं है। लोगों को कन्विंस करा रहे हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है इसलिए हम चप्पल नहीं पहनते, जबकि ऑथर को पता है कि इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये चप्पल भी अफोर्ड कर सके। सो ये सारी चीजें ऑथर ने इस पैराग्राफ तक हमको एक्सप्लेन की। इसके बाद ऑथर को एक स्टोरी याद आया। ऑथर को कौन सी स्टोरी याद आई? जो उडुपी के एक पर्सन ने उनको सुनाई थी। सो क्या है, एक बच्चा था उडुपी में, वहां उसके जो पापा थे वो मंदिर के पुजारी थे। वो बच्चा रोज मंदिर में जाता उस मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान मुझे पेयर ऑफ शूज दिला दीजिए, जूतों का पेयर दिला दीजिए। अब उस इंसिडेंस के 30 साल बाद जब वो ऑथर फिर वहां गई तो एक घर था जहां फिर एक पुजारी था। वो घर काफी बड़ा था। एक बच्चा स्कूल से आया, अपने फोल्डेड बेड पे उसने अपने बैग को फेंका और जूते अब उसके पास थे, एंड वो अपने माइंड में ये सोच रहा था कि अब ये जूते मुझे परमानेंटली संभाल के रख। ऑथर यहाँ पे ये सोचती है कि कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं शूज का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्योंकि या किसी भी चीज का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो उनको मिल जाता है, दे विश एंड दे गेट इट। बट कई सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनकी विश पूरी नहीं होती। अब फिर जब कई दिन बाद ऑथर फिर से सीमापुरी में जाती है तो वहां वो देखती है कि साहिब जो है, इसके पहले उन्होंने एक और इंसिडेंट है बीच में बताना भूल गया कि जब साहिब को जानते हुए उनको कई सारे टाइम हो गए, साहिब को जानते हुए जब ऑथर को कई सारे टाइम काफी टाइम हो गया तो उसने फिर साहिब को जाके पूछा कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है। साहिब को ऑथर ने पूछा कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है तो साहिब ने बताया साहिबे आलम। साहिब ने अपना पूरा नाम बताया साहिबे आलम। तो ऑथर यहां पे हमको यह बताती है कि शायद उस बच्चे को अपने नाम का मतलब नहीं पता, क्योंकि अगर उसको अपने नाम का मतलब पता होता, साहिबे आलम नाम का मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। दो तीन लाइन बुक में आप आगे जाके देखेंगे तो वहां लिखा है, उसमें लिखा है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। सो इसका मीनिंग से ही आपको समझ में आ गया कि ऑथर ने ऐसा क्यों बोला कि उस बच्चे को अपने नाम का मतलब नहीं पता होगा, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स पूरे विश्व का भगवान, उस तरीके से तो साहिब अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर रहा था। साहिब क्या काम करता था? कचड़ा उठाने का काम करता था, जो कि कंप्लीटली अपोजिट है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स के। इसीलिए ऑथर ने कहा कि शायद उस बच्चे को अपने नाम का मतलब नहीं पता। अब कई दिन बाद जब ऑथर फिर वहां जाती है तो वो साहिब को फिर से नोटिस करती है, बट इस बार वो साहिब नहीं था जो जिसको उसने पहले देखा था। इस बार वो जो साहिब था उसके चेहरे पे वो बचपना नहीं था, उसके कंधे पे जो कचड़े वाली बोरी होती थी उसकी जगह आज एक स्टील का कनस्तर था, और साहिब जो है वो एक टी स्टॉल पे काम करता था। साहिब जो है वो एक टी स्टॉल पे काम करता था जहां उसको दिन के 800 रुपए मिलते थे विथ फूड। उसको दिन के 800 मिलते थे विथ फूड, बट अब वो अपना मालिक नहीं था, वो किसी के अंडर काम करता था।
किसी के अंडर काम करता था, वो अपना ओनर नहीं था, एंड किसी के अंडर काम करने की वजह से उस पे प्रेशर था, एंड उस प्रेशर की वजह से उसके चेहरे पे जो आजादी दिखती थी, जो बचपना झलकता था, वो बिल्कुल गायब हो चुका था। एंड दिस इज द वे हाउ साहिब का जो बचपन था वो छिन चुका था। दिस इज हाउ साहिब्स चाइल्डहुड लॉस्ट। एंड इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है द लॉस्ट स्प्रिंग, जिसमें स्प्रिंग का मतलब है चाइल्डहुड। यहां पे हमारा पहला स्टोरी एंड होता है साहिब से रिलेटेड। अब हमारा सेकंड स्टोरी हम देखते हैं कि सेकंड स्टोरी पे हमको जो मेन कैरेक्टर है हमारा, तो मैंने आपको दो कैरेक्टर का नाम बताया था। फर्स्ट कैरेक्टर का नाम था साहिब, सेकंड कैरेक्टर का नाम था मुकेश। साहिब की स्टोरी हमने देख ली, अब हम देखते हैं मुकेश की स्टोरी। मुकेश की स्टोरी का नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव कार। इसको देख के ऐसा लग रहा हो कि एक बच्चे की स्टोरी है जो कार चलाना चाहता है। थोड़ी है, थोड़ी नहीं है, स्टार्ट करते इस चैप्टर को। सो ये जो स्टोरी है वो कहां सेट हुआ है, ये स्टोरी सेट हुई है फिरोजाबाद में। सो स्टोरी कुछ इस तरीके की है, ऑथर जब फिरोजाबाद में उतरती है, मुकेश काफी एक्साइटेड था ऑथर को अपने घर ले जाने के लिए, क्योंकि उसका घर फिर से बन रहा था। मुकेश ऑथर को पिक करता है, अपने घर की तरफ ले जाता है, तो उसके घर के रास्ते में जाते हुए वो इतनी सकरी गलियों से निकलते हैं, उस गली में चारों तरफ गार्बेज भरा हुआ है, उस गली में जो घर है उन घर की दीवारें ऑलमोस्ट टूट गई हैं, दरवाजे लटक रहे हैं, घरों में खिड़कियां नहीं है, घर के जो लोग हैं वो आदमी और जानवर दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। और इसी तरीके के एक घर पे मुकेश उसको ले जाता है, और वहां के एक आयरन डोर जो वहां पे लटक रही है उसको ओपन करके ऑथर को अंदर ले जाता है। जब ऑथर वहां अंदर जाती तो वो देखती है घर काफी अंधेरा है घर में, एंड द रीजन इज फिरोजाबाद जो सिटी है वो फेमस है अपने बैंगल मेकिंग के लिए। किस लिए फेमस है? बैंगल मेकिंग के लिए। बैंगल मेकिंग मींस चूड़ियां बनाना। काफी पुराने सालों से, काफी जमाना हो गया फिरोजाबाद बैंगल मेकिंग का काम करते आ रहा है। एंड मुकेश जैसे बच्चों को शायद ये नहीं पता कि उनका इतने हाई फर्नेस पे ग्लास के टुकड़ों के बीच काम करना कंप्लीटली इलीगल है, बट तब भी वहां 20,000 मुकेश जैसे बच्चे बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं। ऑथर वहां पहुंची, उसके घर उसने जाके देखा कि घर में काफी अंधेरा था। अब घर में अंधेरे का रीजन ये था कि बैंगल मेकिंग के काम में फर्नेस का यूज होता है, इसलिए रूम को काफी अंधेरा रखना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बैंगल्स बनाने के लिए। एंड ऑथर जब उसके घर में गई, उसने उसके घर वालों से, मुकेश के घर वालों से मुकेश के बारे में बात किया, मुकेश की ओल्ड ग्रैंड मदर से बात किया। क्या बात किया? स्टोरी के स्टार्टिंग में दिया गया है कि मुकेश क्या बनना चाहता था, गैराज मैकेनिक। मुकेश का एम था कि उसको गैराज मैकेनिक बनना है। तो जब स्टोरी की स्टार्टिंग में मुकेश ने ऑथर को बताया कि मुझे गैराज मैकेनिक बनना है, तो ऑथर ने उससे पूछा कि तुमको कुछ भी पता है कार के बारे में? तो मुकेश बोलता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। एक तरीके से मुकेश के अंदर एक डिटर्मिनेशन था कि मुझे गैराज मैकेनिक बनना है, कभी भी मुझे मौका मिला तो मैं गैराज में जाके कार का काम सीखूंगा और खुद गैराज मैकेनिक शॉप का ओनर बनूंगा। अब जब ऑथर मुकेश के घर में गई, उसकी ओल्ड ग्रैंड मदर से बात किया उसने, तो उन्होंने क्या कहा कि ये उसका कर्म है, दिस इज हिज डेस्टिनी, वो इसीलिए बना गया है, उसका जन्म ही बैंगल मेकिंग के लिए हुआ है, एंड उसको छोड़ दूसरा काम हम नहीं करते, हमारी डेस्टिनी में लिखा है बैंगल बनाना एंड हम बैंगल्स ही बनाएंगे, ये उनका मानना था। अब एक और चीज है, उस दादी के बगल में एक बच्ची बैठी थी, उस बच्ची को देख के ऑथर, वो जो बच्ची थी वो काफी ध्यान से देख रही थी बैंगल मेकिंग के प्रोसेस को, क्योंकि उसको पता था आगे चल के उसको भी चूड़ी बनानी है, बैंगल मेकिंग के काम पे जाना है। ऑथर उस बच्ची को देख के सोचने लगी कि अभी इस बच्ची को बिल्कुल भी नहीं पता कि ये चूड़ी आगे जाके उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि चूड़ियों को ही सुहाग की निशानी कहा जाता है, बैंगल्स आर नोन एज सुहाग। अब
उसकी दादी ने उससे फिर पूछा, ऑथर ने दादी से उससे फिर पूछा कि आप लोग ग्रुप बना के काम क्यों नहीं कर रहे, इतने सारे लोग हैं यहाँ, आप सब एक ही चीज से रिलेटेड हैं, तो आप एक ग्रुप बना लीजिए, एक तरीके से कंपनी बना लीजिए बैंगल मेकिंग की, और इससे आपका ग्रोथ भी काफी बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे जो ओल्ड ग्रैंड मदर है वो बोलती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज है, लॉ मेकिंग अथॉरिटीज इन द सेंस पुलिस और मंत्री मिनिस्टर्स एक्सेट्राज, ये सारे जो लोग हैं वो इनको गलत काम बोल के या तो जेल में डाल देंगे या इनको पनिश करेंगे, इनको परेशान करेंगे, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती। बट ये रीजन नहीं था, दिस वॉज नॉट द रीजन। उसका जो मेन रीजन था वो ये था, लीडर की कमी, उनके बीच कोई भी लीडर नहीं था, एंड इसी वजह से वो कंपनी फॉर्म नहीं कर पा रहे थे, और कंपनी फॉर्म नहीं होने की वजह से उनका ग्रोथ नहीं हो रहा था। उनके माइंड में एक ही चीज चल रहा था कि हम पैदा ही हुए हैं बैंगल बनाने के लिए, और बैंगल बनाना ही हमारी डेस्टिनी है। काफी ओल्ड स्कूल टाइप का थॉट था कि हम बैंगल बनाने को छोड़ के कुछ और नहीं करेंगे। बट इन सबसे जस्ट अपोजिट मुकेश का थॉट था, जिसको अंदर में एक डिटर्मिनेशन थी गैराज मैकेनिक बनने की, अगर उसको कभी भी चांस मिलता तो वो मौका, उस मौके को कैच करके गैरेज का काम सीखता और अपनी खुद की शॉप ओन करता। इस तरीके से हमारा सेकंड स्टोरी भी एंड हो गया। सो अब यहां पे इन दोनों स्टोरीज में हमको एक ही थीम के बारे में पता चला, पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर, और कुछ क्वेश्चंस अब हम इन दोनों स्टोरीज से रिलेटेड सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आप लोग रेडी हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एंड आपको दोनों स्टोरीज काफी अच्छे से समझ आई होगी। देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, What makes the city of Firozabad famous? City of Firozabad किस चीज के लिए famous था? किसके लिए famous था? Bangle making. किसके लिए famous था? Bangle making के लिए. One word answer. Second question है, mention the hazards of working in the glass bangles industry. So glass bangles industry में work करने के hazards. Hazards means खतरे, डेंजर क्या क्या है ग्लास इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेंजर है, जिसमें जैसा इसमें बताया गया है इस स्टोरी में, कि काफी अंधेरे में काम करना पड़ता है। जो बैंगल मेकिंग, जो फिरोज मुकेश के फैमिली के जो लोग थे, उनकी जो आंखें हैं वो उजाले से ज्यादा अंधेरे के लिए अडॉप्टेड है, उनको अंधेरे में ज्यादा कंफर्ट फील होता है। एंड मुकेश के फैमिली बैकग्राउंड में कई सारे ऐसे लोग हैं जो एज के साथ साथ अपनी आई साइट लॉस कर चुके हैं बिकॉज ऑफ बैंगल्स। तो फर्स्ट इसका हजार जो है वो क्या हो गया, लॉस ऑफ आई साइट। सेकेंड हम क्या करेंगे, जो कांच के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो सांस लेते टाइम जब बॉडी में जाते हैं तो हमारे विंड पाइप को काफी अफेक्ट करते हैं, जिससे लंग्स में भी प्रॉब्लम होता है। एंड थर्ड थिंग इज, जो फर्नेस है वो काफी हाई टेम्परेचर का होता है, जिसकी वजह से वहां खतरा होता है कि फर्नेस में कोई गिर जाए या कुछ भी हो जाए, इस तरीके का वहां खतरा होता है। तो ये तीन हैजार्ड्स हम इस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सारी चीजें जितने मैंने अभी तक इस स्टोरी में आपको बताया, सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आराम से बन जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। अब यहां पर मैंने जस्ट आपको तुरंत एक्सप्लेन किया कि मुकेश की फैमिली काफी ओल्ड स्कूल थी, उनका कहना था कि ये उनकी डेस्टिनी है, बैंगल मेकिंग को छोड़ उनको और कुछ काम आता भी नहीं, ना ही वो सीखेंगे, और जीना यहां मरना यहां, उनका सारा काम बैंगल मेकिंग था। बट मुकेश का सोच काफी डिफरेंट था, मुकेश का कहना था कि मैं गैराज मैकेनिक बनूंगा, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं गैराज का काम सीखूंगा, उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन था। सो दैट वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। मुकेश नया सोच रहा था, मुकेश की फैमिली पुरानी चीजें सोच रही थी, एंड वो डिफरेंस को हम यहां पे एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट स्टोरी से है, जिसका क्या नाम था, समटाइम्स आई फाइंड रूपी इन द गार्बेज। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। ओके, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। पहले तो सेकंड क्वेश्चन जो इसका है उसका आंसर काफी इजी है, वो कहां रह रहा है, वो सीमापुरी में रह रहा है। वो कहां से आया है ये भी मैंने आपको बताया था, वो कहां से आया है, बांग्लादेश ढाका। कब आया है, 1971। सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमने कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, साहिब गार्बेज में किस चीज के लिए ढूंढ रहा है,
साहिब गार्बेज में अपनी काम की चीजें ढूंढ रहा है, हो सके तो वो पैसा ढूंढ रहा है, शायद उसको एक सिल्वर का कॉइन मिल जाए, और एक सिल्वर का कॉइन मिलने से उसके अंदर एक ये भी आस आ जाएगी कि शायद मुझे और मिल सकते हैं। एंड फॉर साहिब एंड ऑल दोज पीपल जो गार्बेज इकट्ठा कर रहे हैं, उनके लिए वो कचड़ा, जो कबाट जो हमारे लिए कचड़ा है, उनके लिए वो गोल्ड है। गोल्ड क्यों है? क्योंकि वही एक चीज है जिसके यूज से वो अपने लिए खाना खरीद सकते हैं, वो अपनी जिंदगी चला सकते हैं, वो जिंदा रह सकते हैं सिर्फ उस गार्बेज को बेच के। एंड दैट्स व्हाई स्टोरी में बोला गया है कि साहिब जो है वो गोल्ड के लिए ढूंढ रहा है। यहाँ पे गोल्ड का मतलब वो गोल्ड नहीं, यहाँ पे गोल्ड का मतलब है गार्बेज में अवेलेबल वो सारी यूजफुल थिंग्स जिनको सेल करके उनका लाइफ जो है वो इजिली रन करे, या फिर एक तरीके से उनको दो वक्त की रोटी मिल सके। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। ये भी मैंने क्लियरली आपको बताया कि क्या क्या एक्सक्यूजेस बच्चों ने दिए। पहला एक्सक्यूज क्या दिया था कि मेरी मम्मी ने शेल्फ से मेरे चप्पल नहीं उतारे। सेकेंड एक्सक्यूज क्या दिया था कि ये हमारा ट्रेडिशन है कि हमको चप्पल नहीं पहनना है। लास्ट क्वेश्चन, इज साहिब हैप्पी विद वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। अब यहां पे क्लियर पता है हमको कि जब साहिब को ऑथर ने वहां वर्क करते देखा टी स्टॉल पे, तो उसके चेहरे की वो जो आजादी थी, वो जो बचपना था, वो गायब हो चुका था। अब साहिब उस तरीके से फ्री नहीं दिख रहा था एंड काफी टेंशन था, सीरियस था उसके चेहरे पे, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि साहिब जो है वो टी स्टॉल पे काम करके खुश नहीं था। सो जिस पैराग्राफ ने ऑथर ने ये डिटेल किया है कि जब मैंने साहिब को देखा और उसके चेहरे की ये सारी चीजें उसने एक्सप्लेन किया है, वो पूरा का पूरा पैराग्राफ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो आई होप आपको क्लियर होगा ये स्टोरी। एंड अगर आपको इस स्टोरी से रिलेटेड कोई सा भी डाउट है, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड हमारा जो टेलीग्राम चैनल है और ग्रुप है, उसमें भी जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपस में आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कुछ अच्छा डाउट्स मिला तो मैं भी वहां पे आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। बट उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। टेलीग्राम ग्रुप आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।